DTV ओडिया देखिवा पाई सब्सक्राइब करंतु एवं बेल आइकन को मध्य दबाई दियंतु। आरंभ हे जैछि अक्टूबर मास मास आरंभरु ग्राहकों को लागिला झटका। बढ़िला गैस सिलिंडर दाम, बदलिला अनेक नियम। अक्टूबर मासरु बदली जैछि एही सब नियम। अक्टूबर पहिलारु लागू होइछि एही नियम। जानि रखंतु कोन सब परिवर्तन होइछि। नमस्कार, डीटीवी ओडिया रो एही स्वतंत्र उपस्थापना को आपण समस्तंकु स्वागत। दर्शक बंधु, अक्टूबर मास आरंभ होइ जाइछि। अनेक नियम रे परिवर्तन मध्य होइछि। सकालु सकालु ग्राहक मानकु लागिछि झटका। मास आरंभ रु बढ़िछि गैस सिलिंडर रो दाम। 19 किलो कमर्शियल गैस सिलिंडर रो दाम 48 टंका महंगा होइछि। क्रेडिट कार्ड रु आरंभ करी बीमा एवं टैक्स सहित जड़ित नियम रे परिवर्तन मध्य होइछि। पीपीएफ एवं सुकन्या सहित जड़ित नियम मध्य परिवर्तन होइछि। गैस सिलिंडर दाम अक्टूबर 1 रु 19 किलो कमर्शियल गैस सिलिंडर दाम रे परिवर्तन होइछि। गैस सिलिंडर दाम 48 टंका वृद्धि पाइछि। दिल्ली रे कमर्शियल गैस दर 1691 टंकारु बढ़ी 1740 टंका होइछि। सुकन्या समृद्धि योजना, एही योजना रे मध्य नुआ नियम लागू करा जिवो। एही नियम अनुसारे अक्टूबर 1 तारिखरु केवल आइनिगत अभिभावक ही झियंक अकाउंट परिचालित करि परिबे। एणिकि समस्त अकाउंट आइनिगत अभिभावक बा प्राकृतिक पिता मातांकर नामकु स्थानांतरित करा जिवो। पीपीएफ अकाउंटर 3 नुआ नियम, जदि एनआरआई अकाउंटदारी निजर पीपीएफ अकाउंटर नियम अनुसार अपडेट न करिवे तबे सेमानकु कोनोसी प्रकारर सुध मिलि परिबो नाही। नुआ निर्देशावली अनुसार पिला 18 वर्ष बयसर हेबा पर्यंत नाबालकंक नामरे खोला जाइथिबा पीपीएफ अकाउंटरे पीओएसए सुध लागू रहिबो। एहा व्यतीत जदि कोनोसी व्यक्तिंक पाखरे एकाधिक पीपीएफ अकाउंट रहिछि तबे केवल प्रमुख अकाउंटरे ही योजनार सुध दर लागू हेब। तेरे दर्शक बंधु, अक्टूबर मास आरंभ सागकु अनेक गुड़े नुआ परिवर्तन देखिबाकु मिलिछि। विभिन्न विभागरे परिवर्तन नै आसिछि अक्टूबर मास। एही परिवर्तन साधारण लोकमानकर रोसेई घरु आपणमानकर बैंक अकाउंट उपरे प्रभाव पकाई पारे। एथिरे एलपीजी सिलिंडर मूल्य, पीपीएफ अकाउंट नियम इत्यादि रे मध्य परिवर्तन देखिबाकु मिलिछि। तबे अक्टूबर मासरु एही सब क्षेत्र रे परिवर्तन हेउछि। जेपरिकि एलपीजी गैस रा मूल्य, ऑयल मार्केटिंग कंपनी प्रत्येक मासर प्रथम दिन एलपीजी सिलिंडर मूल्य रे संशोधन करिथाय। अक्टूबर 1 तारिख रे मध्य एही परिवर्तन देखिबाकु मिलिछि। गत किछि मासरे 19 केजी कमर्शियल गैस सिलिंडर दाम परिवर्तन करा जायछि, किंतु 14 केजी घरोई गैस सिलिंडर दीर्घ समय पर्यंत स्थिर रहिछि। तेबे अक्टूबर मासरे देशवासीकर दुर्गा पूजा भेटी भावरे गैस सिलिंडर मूल्य ह्रास करी परंती सरकार। एटीएफ सीएनजी पीएनजी रेट प्रत्येक मासर प्रथम तारीख रे एटीएफ एवं सीएनजी पीएनजी मूल्य रे मध्य परिवर्तन घटी थाए। तेणु अक्टूबर प्रथम दिन एहार नुआ मूल्य घोषणा करी परंती ऑयल मार्केटिंग कंपनी। पीपीएफ अकाउंटर 3 नुआ नियम, जदि एनआरआई अकाउंट धरी निजर पीपीएफ अकाउंटर नियम अनुसार अपडेट न करिवे तबे सेमानकु कोनोसी प्रकारर सुध मिलि परिबो नाही। नुआ निर्देशावली अनुसार पिला 18 वर्ष बयसर हेबा पर्यंत ना बालकंक नामरे खोला जाइथिबा पीपीएफ अकाउंटरे पोसा सुध लागू रहिबो। एतद व्यतीत जदि कोनोसी व्यक्तिंक पाखरे एकाधिक पीपीएफ अकाउंट रहिछि तबे केवल प्रमुख अकाउंटरे ही योजनार सुध दर लागू हेबो। सुकन्या समृद्धि योजना, एहि योजनारे मध्य नुआ नियम लागू करा जाइछि। एहि नियम अनुसार अक्टूबर 1 तारिखरु केवल आइनगत अभिभावक माने ही झियंकर अकाउंट को परिचालित करि परिबे। एणिकि समस्त अकाउंट आइनगत अभिभावक बा प्राकृतिक पितामातांक नामकु स्थानांतर करा जिवो। तबे अक्टूबर मास पई हॉलिडे लिस्ट मध्य जारी करिछंती सरकार। एहि मासरे अनेक पर्वपर्वाणी पालन करा जिवो। तेणु गांधी जयंती एवं दुर्गा पूजा भळि विभिन्न पर्व पई अनेक दिन बैंक बंद रहिबो। आसंता मासरे बैंक सहित जड़ित कोनोसी काम रहितले एहाकु यथाशीघ्र सारि दियंतु, नचेत आपणंकर काम अधुरा रहि जाय पारे। अक्टूबर मासरे थिबा बैंक छुट्टी तालिका घोषणा करिछंती रिजर्व बैंक। अक्टूबर मासरे प्राय 15 दिन विभिन्न स्थान रे बैंक बंद रहिबो। 2024 वर्ष आरंभ सहित रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंक छुट्टी तालिका प्रकाश करितला। एहा परे मास आरंभ रे मध्य आरबीआई द्वारा बैंक छुट्टी तालिका प्रकाश पाइथाय। आगामी मासरे महात्मा गांधी जयंती, महालया, दशहरा, दीपावली, काली पूजा इत्यादि पर्व पर्वाणी सहित
ଅନେକ କାରଣ ପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ ରହିବ। ତେବେ ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ କେବେ ଏବଂ କେଉଁ ସମୟରେ ବନ୍ଦ ରହିବ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା। ଅକ୍ଟୋବର 1ରେ ଜମ୍ମୁରେ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ରହିବ ବ୍ୟାଙ୍କ। ଅକ୍ଟୋବର 2 ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀ ଏବଂ ମହାଳୟା ଅମାବାସ୍ୟା ପାଇଁ ସାରା ଦେଶରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ। ଅକ୍ଟୋବର 3 ନବରାତ୍ରି ପାଇଁ ସାରା ଦେଶରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ। ଅକ୍ଟୋବର 6 ରବିବାର। ଅକ୍ଟୋବର 10 ଦୁର୍ଗାପୂଜା ପାଇଁ ତ୍ରିପୁରା, ଆସାମ, ନାଗାଲାଣ୍ଡ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଅକ୍ଟୋବର 12 ଦଶହରା ଏବଂ ବିଜୟା ଦଶମୀ ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟ ଶନିବାର ଅବସରରେ ଛୁଟି ରହିବ। ଅକ୍ଟୋବର 13 ରବିବାର। ଅକ୍ଟୋବର 14 ସିକିମ୍ରେ ଛୁଟି ରହିବ ବ୍ୟାଙ୍କ। ଅକ୍ଟୋବର 16 ଲକ୍ଷ୍ମୀପୂଜା ଅବସରରେ ତ୍ରିପୁରା ଏବଂ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ। ଅକ୍ଟୋବର 17 ମହର୍ଷି ବାଲ୍ମୀକି ଜୟନ୍ତୀ ଏବଂ ବିହୁ ଅବସରରେ କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ଆସାମ ସମେତ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଅକ୍ଟୋବର 20 ରବିବାର। ଅକ୍ଟୋବର 26 ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ଜାମ୍ମୁ ଏବଂ ଶ୍ରୀନଗରରେ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଅକ୍ଟୋବର 27 ରବିବାର। ଅକ୍ଟୋବର 31 ଦୀପାବଳି, କାଳୀପୂଜା, ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲ ଜୟନ୍ତୀ, ନରକ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ଅବସରରେ ଅଧିକାଂଶ ରାଜ୍ୟରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ। ତେବେ ତ୍ରିପୁରା, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ, ସିକିମ୍, ମଣିପୁର ଏବଂ ମେଘାଳୟ ଭଳି କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ ରହିବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ, ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ନିଯୁକ୍ତି, ବୈବାହିକ ସମସ୍ୟା, ବାସ୍ତୁଦୋଷ ଏବଂ ମାଲି ମକଦ୍ଦମା ଆଦି ସମସ୍ୟା ଥାଏ, ତାହେଲେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଓ ପରାମର୍ଶ ପାଇଁ ଆମକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ୍ ଡକ୍ଟର ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ମହାପାତ୍ର, ବୁଧେଶ୍ୱରୀ କଲୋନୀ, ପ୍ଲଟ୍ ନମ୍ବର 26, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଫୋନ୍ ନମ୍ବର 9776833302, 9439444924। ଆମର ୱେବସାଇଟ୍ www.srijagannathastro.com। ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।